तब भगवान श्री कृष्ण से पितामह भीष्म कहते हैं, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासारुढ़लोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुज। पितामह भीष्म श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, आपका केवल लोगों, आपका जो सुंदर स्वरूप है, आपका जो दर्शन है, लोगों को सिर्फ ध्यान में होता है, परंतु मेरा भाग्य देखिए, वही प्रभु मेरे सामने खड़े हैं। कमल के समान आपके अरुण नेत्र, प्रसन्न हास्य उल्लासित मुखारविंद और चतुर्भुजी रूप को, हे देव, इस सुंदर रूप का दर्शन आप यहीं रहकर तब तक प्रतीक्षा करना जब तक मेरे प्राण इस देह का परित्याग न कर दें। उससे पहले आप मुझे छोड़ के मत जाना, आप यहीं खड़े रहे। और खड़े रहे, कौन कहता है भगवान नहीं है? भगवान है। पितामह भीष्म का इंतजार तब तक करते रहे उनके अनुसार, उनके कथन अनुसार, जब तक पितामह भीष्म के प्राण नहीं चले गए। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। तो ये सब प्रसंग है, बड़ा सुंदर प्रसंग है। अब हम चलते हैं, क्योंकि कलयुग के लोग हैं, कलयुग की तरफ बढ़ें। अब कलयुग की कथा को श्रवण करें। यहां से 15-20 मिनट की कथा और है, बड़े सावधानी पूर्वक सुनेंगे, क्योंकि हम कलयुग के लोग हैं, तो कलयुग की कथा जरा सावधानी पूर्वक सुननी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण राज्य सत्ता दिलाकर जब जा रहे थे, तो कुंती के पास में पहुंचे और कुंती से कहा, कुंती बुआ, आप, मैं आया हूं, आप कोई वरदान मुझसे मांग लो, जो आप वरदान कहोगे मैं आपको वही वरदान दूंगा, आप बताओ आपको क्या चाहिए। कुंती बोली, कृष्ण, क्या जो मैं मांगूं वो आप मुझे दे दोगे? बोले, ऐसा क्या है जो आप मांगे और मैं आपको ना दे सकूं? आप जो मांगोगी मैं आपको वही दूंगा, आप बताओ तो सही क्या। बोले, अगर देना चाहते हो ना कृष्ण, तो कृपा करके मुझे इतना सा दे दो कि जब तक मैं जीवित रहूं तब तक मेरा दुख मुझे छोड़ के ना जाए। सुख नहीं मांग रही है कुंती, दुख मांग रही है। मुझे दुख दे दो, मुझे दुख चाहिए, मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे दुख चाहिए। अभी जब कथा आस्था चैनल पे पूरी हो जाए तो आप सब यूट्यूब चैनल पे चले जाएं और बची हुई कथा वहां आप सुन सकते हैं। और जितने भी लोग यहां बैठे हैं, अभी नहीं, 5 मिनट बाद अपना भी आप लोग मोबाइल निकाल कर यूट्यूब चैनल ऑन करके उसे लाइक करके राधे राधे शेयर कर देंगे, ठीक है? इतना जरूर करेंगे, 5 मिनट बाद, अभी नहीं। तो मेरे प्यारे, कुंती ने कहा, मुझे वो सुख नहीं चाहिए जिस सुख के आने पर जीव आपको ही भूल जाता है, मुझे वो दुख चाहिए जिस दुख में व्यक्ति पल पल तुम्हारी याद करता है और तुम्हें याद कर करके रोता है। मेरे भाई बहन, आप सबने देखा होगा, आपकी अपनी जिंदगी के अनुभव भी आपके साथ में रहे होंगे, सुख में दुख में सुमिरन सब करें, पर सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। जब जीव दुखी होता है तो सबसे पहले परमात्मा की याद आती है। दो ही लोगों की याद आती है दुख में, एक मां एक परमात्मा। छोटा मोटा आप अचानक से कहीं जा रहे हो, पैर में आपके में अचानक से कांटा लग जाए, तो सबसे पहला शब्द क्या निकलेगा? मां। लेकिन बहुत बड़ा पत्थर ऊपर आ जाए तो मां निकलेगा? तब परमात्मा निकलेगा। छोटे दुख में मां, क्योंकि मुझे पता है मेरे दुख में अगर कोई शामिल हो सकती है तो वो मेरी मां। लेकिन जब दुनिया का सबसे बड़ी मुसीबत आ जाए, पहाड़ गिर पड़े, तब मां भी नहीं, तब परमात्मा याद आता। तो जब हमें दुख में पता है कि वही मेरे काम आते हैं, तो फिर सुख में उसे हम क्यों भूलते हैं? यहां पर ऐसा कौन व्यक्ति है
जो फाइव स्टार होटल में अपने बच्चे की बर्थडे पार्टी करता है और भगवान को कहता है प्रभु चलना मेरे साथ, है कोई? जिस दिन हमारे घरों में पार्टी होती है उस दिन भगवान का व्रत होता है, क्योंकि भगवान को भोग नहीं लगता है। तो कब भगवान पूछ ले क्या मैंने इसी दिन के लिए तुझे धनवान बनाया था? नहीं, मुझे वो फाइव स्टार होटल वाली पार्टी नहीं चाहिए महाराज, मुझे तो जमीन पे बैठ के पत्तल में वो भोजन चाहिए जिस पत्तल के भोजन में मैं आपको भोग लगा सकूं, आपको भोग लगा सकूं। सुख के मुंह पे धूर परे जो प्रभु को नाम भुला, बलिहारी या दुख की जो पल पल नाम जपाए। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी आपका है दुख भी आपका है, पर मुझे वो देना जिसमें आपकी याद बनी रहे।